मोदी के लिए मालदीव से भिड़ गई हिंदुस्तान की जनता, एक दिन में कर डाला करोड़ों का नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी करना मालदीव्स को भारी पड़ता जा रहा है। आलम यह है कि अब हिंदुस्तान की जनता ने ही मोर्चा संभाल लिया है। देशवासियों ने एक साथ मिलकर न सिर्फ पीएम मोदी का साथ निभाने का ऐलान किया बल्कि मालदीव्स को उसकी औकात भी याद दिला दी। भारत में एक के बाद एक कई ट्रेंड्स चल रहे हैं जिनमें बॉयकॉट मालदीव्स प्रमुखता से शामिल है और दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इज माई ट्रिप ने मालदीव्स के प्रति अपना रोष जताते हुए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कंपनी के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निशांत पट्टी ने भारत के समर्थन में पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने फ्लाइट बुकिंग सस्पेंड करने का ऐलान किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, अपने देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। ईज माई ट्रिप ने लक्षद्वीप जाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत कर दी है। मालदीव्स की कुल जीडीपी में टूरिज्म का योगदान लगभग 30% का है और इस 30% में अकेले भारत का योगदान करीब 12% का है। अगर भारतीय मालदीव्स को नजरअंदाज करेंगे तो फिर उसके हर दिन की जीडीपी में बहुत बुरा असर पड़ेगा। शायद इसीलिए अब मालदीव्स बैकफुट पर आता दिख रहा है और सिर्फ ये ऑनलाइन कंपनी ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से मालदीव्स के विरोध में और पीएम के समर्थन में आवाज उठ रही है। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने इस विवाद के बाद एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, केम अक्रॉस कॉमेंट्स फ्रॉम prominent public figures from Maldives passing hateful and racist comments on Indians. Surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists. We are good to our neighbors, but why should we tolerate such unprovoked hate? I've visited the Maldives many times and always praised it, but dignity first. Let us decide to explore Indian island and support our own tourism. दूसरी तरफ सलमान खान ने लिखा, इट इज सो कूल टू सी आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी एट द ब्यूटीफुल क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये हमारे इंडिया में है। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हर आमो खास इस पर अपनी अपनी राय रखते हुए पीएम के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहा है। पत्रकार वर्ग भी मालदीव्स के नेताओं की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं। मालदीव के खिलाफ लगातार बढ़ती भारतीयों की नाराजगी को देख अब वहां के लोग भी चिंतित हैं। आलम यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने नेताओं के बयान से किनारा कर चुके हैं, साथ ही 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। भारत और मालदीव के बीच का ये विवाद कब तक शांत होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल भारतीयों का गुस्सा तो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बाकी दूसरी तरफ लक्षद्वीप की खूबसूरती अब सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। देशवासी पीएम को थैंक यू बोल रहे हैं। कहा जा रहा है भारत के मालदीव्स को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर।